हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में किसी संख्या में 9 से भाग करना सीखेंगे। दोस्तों, ये आप सोच रहे होंगे कि 9 से भाग करना ये क्या सिखाया जा रहा है, तो दोस्तों ये जो वीडियोस हैं वैदिक गणित के वीडियो है, इसमें हम छोटे बच्चों को नए नए कंसेप्ट सिखाते हैं ताकि उनकी कैलकुलेशन जो है, मेंटल मैथ जो है, वो तेज हो सके, वो कैलकुलेशन को बहुत कम समय में हल कर सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले इस वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट है, आपके कोई कमेंट है, तो आप जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं वीडियो। किसी संख्या में 9 से भाग करना, तो आज हम यहां पे देखेंगे 9 से भाग करना। देखिए, मैंने अगर 23 में 9 का भाग करना है तो हम किस तरह से करेंगे, तो नहीं करना है। यहां पे भागफल आएगा हमारा और एक शेषफल होगा, क्यू मतलब क्विसेंट और आर मतलब रिमाइंडर। तो भागफल और शेषफल हमें दो चीजें लिखनी है। तो भागफल जो हमारा होगा वो पहला अंक हो जाएगा और शेषफल इन दोनों अंकों का जोड़ हो जाएगा। 2 को 3 में जोड़ेंगे तो शेषफल हमारा 5 हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो 9 का भाग करके देख लीजिए, आपका भागफल 2 आएगा और जो शेषफल होगा वो 5 होगा। इसी तरह से अगर मुझे 42 में 9 का भाग करना है तो आप यहां पे देख लीजिए, जो हमारा भागफल होगा वो 4 हो जाएगा और शेषफल इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एक संख्या ले लेता हूं 35, यहां पे अगर मैं 9 से भाग करूंगा तो हमारा भागफल हो जाएगा 3 और शेषफल हो जाएगा इन दोनों अंकों का जोड़। 3 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 8। अब यहां पे आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं उनमें जो अंकों का योग है वो हमारा 9 से कम है, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा हो कि अंकों का योग 9 से ज्यादा आ जाए तब हम क्या करेंगे, दोबारा से ये नियम लगा देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, मैं कुछ बड़ी संख्या ले लेता हूं। अगर मैंने लिया है 84, इसमें अगर हमें 9 से भाग करना है तो यहां पे देखिए आपका जो भागफल होगा, अस्थाई भागफल हम इसको कह सकते हैं, 8 होगा और शेषफल होगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान दें कि जो हमारा शेषफल आया है वो हमारा 9 से बड़ा है, तो हमें ये नियम फिर से लगा देना है। तो अब यहां पे भागफल, नया भागफल हमारा एक और हो जाएगा 1, वो हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। और शेषफल अब कितना हो जाएगा हमारा, 1 में 2 अगर हम जोड़ेंगे तो शेषफल हमारा हो जाएगा 3। यानी अगर हम 84 में 9 का भाग करेंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा 9 और शेषफल जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 84 में अगर हम 9 का भाग करना है तो हमें क्या करना है, पहला अंक हमारा 8 वो भागफल होता है, तो भागफल आ गया हमारा 8 और शेषफल क्या होगा, इन दोनों अंकों का जोड़ होगा, तो 8 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो 12 जो हमारा है वो 9 से बड़ा अंक है, इसलिए हमें क्या करना है, ये जो हमने यहां प्रोसेस की है या जो नियम लगाया है वो हमें यहां पर दोबारा लगा देना है। तो 12 का पहला जो अंक है वो हमारा 1 यानी भागफल हो जाएगा, तो भागफल हमारा पहले से 8 आ चुका है, उसमें 1 और जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा और शेषफल इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमने कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं। यहां पे हम देखिए भागफल जो हमारा आएगा और शेषफल क्या आएगा, तो यहां पे भागफल जो हमारा पहला अंक होता है तो भागफल आ गया 9 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो शेषफल हो जाएगा 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। लेकिन हम ये देखेंगे 11 हमारा फिर से 9 से बड़ा है, तो हम ये नियम दोबारा लगा देंगे, तो भागफल हमारा 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा इसका 10, नया भागफल यानी हमारा जो सही भागफल हो जाएगा वह 10 और शेषफल हो जाएगा इन दोनों का जोड़ जो कि हमारा हो जाएगा 2। इसी तरह से यहां पे देखेंगे तो यहां पे हमारा भागफल हो जाएगा 4, पहला अंक जो होता है वो भागफल होता है और इन दोनों का जोड़ अंकों का जो होता है वो शेषफल होता है, तो 4 में 5 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 9। लेकिन हम देखें 9 में 9 के बराबर है तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, इसमें से 9 का भाग कर देंगे तो 1 हमारा यहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और शेषफल हमारा क्या हो जाएगा यहां पर 0, ठीक है। यहां पर देखिए भागफल हमारा हो जाएगा 6 और शेषफल हो जाएगा इन दोनों का जोड़, तो अंकों का जोड़ हो जाएगा 6, भागफल भी 6 और शेषफल भी 6। यहां पे देखिए हमारा भागफल हो जाएगा 7 और अंकों का जोड़ हो जाएगा 9, तो यहां पे देखिए अंकों का योग 9 आया तो हमारा शेषफल 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 में 9 से भाग करने पर 0 होता है और एक बार भाग जाता है तो हमारा यहाँ पे भागफल जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। यानी 72 में जब 9 के भाग देंगे तो भागफल हमारा 8 आएगा और शेषफल हमारा 0 होगा। अब आपको लग रहा होगा ये मैंने 2 अंकों की संख्याओं में ही 9 का भाग क्यों दिया, हम 3 अंकों की 4 अंकों की संख्याओं में भाग दे सकते हैं, थोड़ी सी प्रक्रिया कठिन होगी, लेकिन एक बार अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, आपने वीडियो पूरा देखा, तो आप
तीन अंकों की संख्या क्या चार अंकों की, पांच अंकों की संख्याओं में भी 9 का भाग कर सकते हैं। देखते हैं हम आगे के एग्जाम्पल में। देखिए हमने कुछ और एग्जाम्पल लिए हुए हैं, यहाँ पे तीन अंकों की संख्या में 9 का भाग देंगे तो हमें क्या भागफल कैसे आएगा, पहला अंक हमारा सेम इस तरह से हो जाएगा। दूसरे अंक के लिए हम क्या करेंगे, नौनों को जोड़ेंगे, एक में दो जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, तो भागफल हमारा हो गया 13। ठीक है, शेषफल कैसे निकालेंगे, इन तीनों अंकों का जोड़ 1 2 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया। ठीक है, ये हमारा शेषफल हो गया और भागफल हो गया हमारा 13। अगर शेषफल 9 से ज्यादा आएगा तो फिर से हमें यही वाला तरीका अपना के भागफल में ऐड करते चलना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भागफल हमारा पहला अंक हो जाएगा 2 और उसके दूसरा अंक के लिए हम भागफल के दूसरे अंक के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। शेषफल के तीनों को जोड़ देंगे, 4 4 3 7 हो जाएगा, शेषफल हो गया हमारा 7, भागफल हो गया 23। यहाँ पे देखिए पहला अंक हमारा भागफल का 1 हो गया और इसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, भागफल हो गया 6 और 6 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा जो कि होगा हमारे 11। लेकिन देखिए 11 हमारे 9 से बड़ा है तो हमें फिर से यही नियम लगा देना है, तो इसका पहला अंक जो है वो भागफल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा भागफल हो जाएगा 17 और शेषफल इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा शेषफल हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं 4 3, तो भागफल का पहला अंक हो गया हमारा 4 और दूसरे अंक के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 और शेषफल इन तीनों को जोड़ देंगे, 7 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। यहाँ पे भी देखिए हमारा जो भाग शेषफल आया वो 9 से ज्यादा आया तो हम फिर नियम दोबारा लगा देंगे, तो ये हमारा इसमें जो पहला अंक है वो भागफल में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 48, यानी जो हमारा भागफल आएगा वो 48 आएगा और शेषफल इन दोनों को जोड़ेंगे तो शेषफल हो जाएगा हमारा 2। दोस्तों आप इसी तरह से इसके आगे के 3 डिजिट के नंबर के लिए आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।